तो मुझे सैफ अल मुसाफरीन कबीले तक पहुंचा सकती हो? क्यों, उनसे क्यों मिलना चाहते हो? मुझे उनसे एक सौदा करना है। मैंने तुम्हारी जान बचाई, मेरा भी एक काम कर दो। मैं शरगन से शादी करने वाली हूँ, मगर तुम्हारा एहसान भी चुकाना है। उससे शादी मत करो, मैं मुफ्त में सलाह दे रहा हूँ, मान लो। अपने दिमाग में एक बात अच्छी तरह से बैठा लो कि रेगिस्तान में रातें खतरनाक होती हैं। तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम मेरी चिंता मत करो। फिर किराए के कातिल को क्यों बुलाया जो कभी आया ही नहीं? दो को बुलाया था, मैं चाहती थी कि गांव वाले खुद ही इस मुसीबत से निपटे। हाँ जानता हूँ, पर वो शरकन से डरते हैं। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे तुम नहीं डरते। मैं किसी से नहीं डरता। तो तुम एक ईमानदार चोर हो। मैं अब सोने जा रहा हूं। मुझे कहां छुपा है तू? चूहे की तरह बिल में क्यों छुपता है? मैं कहता हूं जल्दी से बाहर आ। देख तुझसे मिलने कौन आया है। मैं आज तेरी बोटी बोटी करके बाहर चील कौओं को खिला दूंगा। बाहर निकल, जहां छुपा है आ जा। आज तुझे दिखाता हूं कि मेरे घूसों में कितना दम है। शरकन कहाँ है? कहाँ छुप गया? बाहर निकलेगा या नहीं? कहाँ गया? क्या हम पहले मिले हैं? मैं अजीज अल कतल हूँ, 103 गैंग का सरदार, दुनिया का सबसे खतरनाक कातिल। ओके, क्या तुम्हें पता है कि कन्या मखन गांव कहाँ है? कन्या मखन की बात कर रहे हो? हाँ अच्छी तरह से पता है, लुटेरों और गुंडों का गांव है। तुम्हारे पास सिगरेट है? नहीं, ये है। अच्छी खुशबू है। मुझे बता दो गांव कहाँ है, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। ठीक है। वो रेत का टीला देख रहे हो? अरे वही जो बाईं तरफ दिख रहा है, देखो उसी के पीछे है कन्या मखन गांव।
लगता है समझ गए। इसे अपने पास ही रख लो। ए, यहाँ आओ। अरे मुझे बाहर निकालो, तुमने वादा किया था ना, यहाँ आओ। देखो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ए, यहाँ आओ। ए, सिगरेट तो मजेदार है वैसे। सरकार ने तुम्हें क्यों भेजा है? यहां चुराने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे किसी ने नहीं भेजा है। ये उसी के घोड़े हैं। आयदा? नसीम। शरकान इस कबीले का सबसे काबिल योद्धा था। हमारे सरदार के पास एक ऐसा राज है जिसे वो सिर्फ अपने वारिस को ही बताते हैं। हम सबको लगा था कि शरकान ही हमारा सरदार बनेगा और शाहीन ने अपनी इकलौती बेटी आयदा की हिफाजत की जिम्मेदारी उसे दे दी थी। शाहीन शरकान को रेगिस्तान में वो राज बताने भी ले गए, मगर उस रोज बड़ी जबरदस्त बारिश हुई। नदी पार करते समय वो कीचड़ में डूब गए। शरकान बच निकला। शाहीन को लगा गलती उनकी है और वो अपने कबीले को छोड़कर कन्या माकन में रहने लगे। आयदा उसकी हिफाजत में थी, इसलिए वो भी चली गई। उसके बाद से हमारा कबीला पहले जैसा नहीं रहा। शरकान बदल गया और वो रेगिस्तान से गुजरने वाले हर मुसाफिर की मौत की वजह बन गया। अब तक उसने सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। वो हर हाल में शाहीन से खजाने की चाबी पाना चाहता है, जबकि शाहीन खजाने को उससे बचाकर रखना चाहते हैं। बहुत बुरा हुआ। तुम हमारे कबीले की बदनसीबी का मजाक उड़ा रहे हो। हाकिम, शरकर ने झूठ बोला था। शाहीन जिंदा है। तुम उनसे कहां मिले? वो चाहते थे कि मैं आपको बताऊं कि वो जिंदा है। मैंने अपना वादा पूरा किया। और भी बातें कही हैं, लेकिन सही वक्त आने पर मैं आपको बताऊंगा। और हां, पैसे भी चाहिए। तुम्हें पैसे चाहिए? तुम सचमुच कुछ और भी जानते हो? मोमो, रुको रुको,
मैं ये कह रहा था कि तुम लोग मेरे पैसे दिलवाने में मेरी मदद करोगे। देर करो। रुको, मेरी पूरी बात तो सुनो। चरकन मेरा पैसा ले गया, मैं उसकी बात कर रहा था। शाहिन ने बताया था कि वारिस कबीले का ही कोई इंसान हो सकता है। उन्होंने खास कपड़े पहने थे और वो किसी विद्वान की तरह बात कर रहे थे। उन्होंने अपने गले में एक तावीज पहना था। मैंने सोचा बैंक लूटूंगा, पैसा मिलेगा, जिंदगी अच्छी हो जाएगी, लेकिन कहां आकर फंस गया। तुम्हें क्या लगता है तुम चारों इन मशकों के सहारे शाहिन को आजाद करवा लोगे? हम गांव के अंदर जाएंगे, फिर तुम हमें शाहिन की कोठरी दिखा देना। ये काम इतना आसान नहीं है दोस्तों। तुम लोग अभी दिमाग से नहीं दिल से सोच रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि उस गांव के चारों तरफ सख्त पहरा है? क्या तुमने कुछ सोचा इसके बारे में कि इन तलवारों के साथ तुम उनका मुकाबला करने चले हो? तुम कौन हो? अजीज किराए का कातिल? नहीं, बकवास बंद करो। हाँ, कैसे सो मैं? दूसरा जुनूनी। पहला तो आज तक आया ही नहीं और अब हम उसका इंतजार भी नहीं करेंगे। बताओ मिशन क्या है? अपने सरदार को आजाद करवाना। अच्छा, मैं मदद कर सकता हूँ लेकिन मैं तुम लोगों की मदद नहीं करूँगा। लेकिन तुम्हें उसके पैसे मिलेंगे। सरदार को मुफ्त में नहीं छुड़ाते।
ये सब हम घर जाकर करेंगे तो अच्छा होगा। सही कहा। हमेशा के लिए इस रेत के अंदर समा जाए। मैं इसे आखिरी बार छूकर महसूस करना चाहता हूं। मैं आज तुम्हें हजार साल पुराना राज बताऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। इस बात को हमेशा याद रखना। आमिर, मेरी बात सुनो। सादगी सबसे बड़ा खजाना है। अब तुम चोर नहीं रहे, तुम मेरे कबीले के सरदार हो। अब मेरी जिम्मेदारियां तुम्हारी हो गई आमिर। शाहीन ने अपना राज किसे बताया था? शरकन, कम से कम जनाजे की इज्जत तो कर लो। पहले वो राज तुम्हें बताया था। वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हें हमारी परंपरा का पालन करना होगा। वो मेरी परंपरा नहीं है। मगर शाहीन ने तुम्हें कबीले का सरदार बनाया है, इसलिए ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो मेरी परेशानी नहीं है। उनके पास कोई चारा नहीं था। मैं खजाना दे दूंगा, लेकिन उसमें से मुझे अपना पैसा चाहिए और उसके बाद मैं चला जाऊंगा।
तुम हमारे सरदार की कब्र पर सौदा कर रहे हो? हाकिम, अगर तुम उसे मार डालोगे तो ना खजाना रहेगा ना आयदा, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अभी तो सिर्फ सरदार गया है, अगर मेरी मदद नहीं की ना तो कोई नहीं बचेगा। आमिर। कैसियस। कहाँ के हो तुम? अफ्रीका। तो आमिर बताओ मुझे, इनके साथ क्या कर रहे हो? क्या कहूं, बहुत लंबी कहानी है। शरकत ने मेरे पैसे छीन लिए जो मुझे वापस चाहिए। और तुम अपने पैसों के लिए रेगिस्तान में भटक रहे हो? महान शरकन यहाँ पे आए हैं, हमारे लिए कितनी बड़ी शान की बात है। आइए आइए। अरे गाना बजाओ, सरकार आए हैं, गाना बजाओ जल्दी जल्दी। आइए आइए, मैं अभी आपको ठंडी बियर पिलाता हूं। नहीं नहीं, रहने दीजिए, ये मेरी तरफ से है, रहने दीजिए। कहाँ है मेरे अब्बू? अपने कबीले के साथ भाग गए। वो मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकते। मैंने खजाने के बदले तुम्हारा सौदा करना चाहा और उन्होंने खजाने को चुना। वो मुझे लेने यहां जरूर आएंगे। सच सामने आ गया है, तुम्हारा अंत बहुत करीब है। तुम्हारे बाप के लिए तुमसे ज्यादा जरूरी वो खजाना है। आज सिर्फ मैं ही बचा हूं जिसके तुम में कोई दिलचस्पी है। वो गांव देख रहे हो? वो गांव किसी गुफा से कम नहीं है, वहां किसी को कोई कमी नहीं होगी। सुनसू कहते थे, जब दुश्मन दमदार हो तब सही मौके का इंतजार करो। यहां कौन सा मौका मिलेगा? मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। उड़ते परिंदे भी ध्यान भटका सकते हैं, यहां बादल भी छा सकते हैं, और तब तुम हमला करो, लेकिन बाधाएं भी आएंगी। इन्हें रख लो। ये लो,
मैं कुछ समझा नहीं, मुझे सबसे छोटी गन क्यों दी? साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है उसके सही इस्तेमाल से। अजीज अल कतल, तो ये है अजीज। कहाँ है तू? किस बिल में छुपा है? बाहर आ और बता क्या करना है। क्या हो गया, डर के मारे बाहर भी नहीं निकल रहा है? हाँ? क्या हो गया? रुको, अभी तो मैं मेरा कमाल दिखाता हूं। क्या हुआ, देख के डर गए? आ जाओ ना, तैयार हो? हाँ। तैयार हो? हम तैयार हैं। जाओ और जल्दी से मेरे सामने उस शर्कन को ले आओ, मैं आज उसे काट डालूंगा। जल्दी यहां से निकलना होगा। और आयदा, पहले हमें चाबी चाहिए।
आमिर, तुम्हारी गन। ताबीज पहन रखा है, मतलब तुम्हारा दिल साफ है। आओ मेरे साथ। मुझे खुशी है कि तुम इस कमरे में आए। काफी वक्त हो गया कोई सरदार नहीं बना है। अगर सरदार नहीं बदलेगा तो इन चाबियों का क्या होगा? ये खजाना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और ये चाबियां सिर्फ सजावट का सामान बनकर रह जाएंगी। अब चाबी तुम्हारे पास है तो शाहीन के भरोसे को मत तोड़ना। चाबी मिल गई। चलो अब तुम ही हमें उस खजाने तक पहुंचाओगे भी। संजू ने इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं था। क्या मुझे अब इससे मुकाबला करना पड़ेगा?
क्या बात है, सब बार में ही आ रहे हैं। वो आ रहे हैं। आइडा को ले आओ। शाहीन का साथ देने वालों को यही अंजाम होगा। अब हथियार डाल दो वरना मैं इस बार को कब्रिस्तान बना दूंगा। देखो तुम्हारे कबीले का क्या अंजाम होने वाला है। वो अतीत है, मैं भविष्य हूं। अब इसका क्या उपाय है? मौके का फायदा उठाने के उपाय तो हमेशा मिल जाते हैं। हथियार नीचे रखो। मैं सोच रहा था हारने वालों का साथ देना बेवकूफी होगी। देर कर दी, अब मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुम्हें कबीले का आधा खजाना दे सकता हूं। समझ नहीं आता कि शाहीन ने तुम जैसे धोखेबाज पर भरोसा कैसे कर लिया। वो उतने समझदार नहीं थे जितना सब समझते थे। मेरे साथ चलो, खजाना बांट लेते हैं। तुम सुन रही हो ना? तुम्हारे महान शाहीन ने इसे अपना वारिस चुना था। इतनी साल की मेहनत का मुझे ये सिला मिला है। तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं, तुम्हें हिस्सा मिल जाएगा। कोई नहीं बचना चाहिए, इनसे मैं बाद में निपटूंगा। इसे ले जाओ। आगे देखो।
आज तक मैंने बस इसी के सपने देखे। कबीले वाले भूखे मर रहे थे जबकि उनके पास इतनी दौलत थी। जिन सन की बुड्ढों ने हमारे ऊपर कई सौ साल तक राज किया वो इसका इस्तेमाल सिर्फ बुरे वक्त के लिए करते थे। उन्हें लगता था कबीले वाले लालची हो जाएंगे और आराम की जिंदगी बिताना चाहेंगे। वो इस दौलत के दम पर अपनी सल्तनत नहीं बढ़ाना चाहते थे। शाहीन ने बहुत बड़ी गलती कर दी। इतनी बड़ी गलती भी नहीं की। तुम्हारा दिमाग खराब है जो उन बंजारों के लिए मुझसे लड़ रहे हो। क्या तुम्हें पूरा खजाना चाहिए? क्यों अपनी जान के दुश्मन बन रहे हो? इस तरह
रेत के उस टीले के पास एक जेल में उस लुटेरे की जिंदगी बदल गई। क्या वो शाहीन या शरकंद से बेहतर सरदार बन पाएगा? आखिरकार शाहीन, शरकंद या आमिर थे तो इंसान ही, और उनमें भी खूबियां और खामियां थीं। किसी इंसान को जो बात अच्छा या बुरा राजा बनाती है वो ये है कि वो अपनी जनता के साथ कैसे पेश आता है। कहावत भी है कि कबीले का अच्छा सरदार बारिश में उपजाऊ जमीन से बेहतर होता है। इस कहानी का अंत सुनना है तो जेब ढीली कीजिए। आप भी जानना चाहते होंगे कि आमिर ने उस खजाने का क्या किया। मैं सब बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे सिक्कों की खनक सुना दीजिए। चलिए पैसे निकालिए। मैं तो यही दुआ कर रहा हूं कि ऐदा और अमीर जिंदगी भर साथ खुश रहें, मगर सच तो यह है कि मैं भी नहीं जानता। गांव में अपना काम खत्म करने के बाद मैं अगले मिशन के लिए चल पड़ा, मगर मैं गलत दिशा में जा रहा था। Décide qui t'a servi, mais fais vite mon ami, car tout n'est qu'un mirage, et même en plein désert, menace le naufrage. Hey!